Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Main aap sab ke sab bachon ka aur badon ka bhi istiqbal karta hu hamare program. Aaj hum ek nayi cheez shuru karne wale hain inshaallah. Aapko pata hai ki Quran ki sab surate ek hi size ki hain. तो याद करते हैं तो सबसे पहले कौन सी सूरतें याद करते हैं बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, पहले सूरतुल फातिहा, उसके बाद में जो याद करते हैं तो छोटी छोटी सूरतें याद करते हैं कि बड़ी बड़ी सूरतें पहले याद करते हैं? बड़ी पहले याद करते हैं. सूरह बकरा पहले ढाई पारे की याद करेंगे. कौन सी? बकरा. पहले सूरह बकरा याद करेंगे. नहीं, पहले छोटा सा बच्चा होता है उसे कहते हैं पढ़ो बेटा. कौन सी सूरह याद कराते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद. यस, तो पहले छोटी छोटी सूरतें याद करते हैं हम. आज से इंशाल्लाह हमारी जो साइकिल है 7 अलग अलग टॉपिक्स की, एक एपिसोड ईमान के ऊपर, एक इबादत के ऊपर, एक अखलाक के ऊपर, एक आदाब के ऊपर, उसी में हम देखते हैं कि आगे एक तज़किया के ऊपर यानी अपने आप को सुधारना, और एक होगी अल्लाह के नामों पर, वही 6 के साथ में एक 7वीं होगी कुरान की सूरतों पर. तो हम उसमें एक एक छोटी छोटी सूरह लेंगे इंशाल्लाह और उसकी मीनिंग देखेंगे. उसकी मीनिंग क्यों देखेंगे? मीनिंग देखने की क्या जरूरत है? कि हम लोग को समझ में आए. समझ में आए क्यों? समझना क्यों आपको? कुरान अल्लाह ताला ने समझने के लिए बनाया क्या? नहीं. हाँ, समझने के लिए. हाँ, हाँ, समझने क्या सही क्या गलत है? अल्लाह ताला ने कुरान समझने के लिए बनाया है क्या? हाँ, हाँ. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान समझने के लिए बनाया. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया यहाँ है पैगाम सारे इंसानों के लिए. तो कुरान क्या है? पैगाम. पैगाम का मतलब क्या है? मैसेज. अगर कोई मैसेज है, जैसे मैं तुम्हें कुछ बोलूं, ध्यान से सुनो, तुम वो बात बोलो उधर, ध्यान से सुनो. समझ में आ गया आपको? हाँ, क्या कहा? ध्यान से सुनो. तो ये मैसेज की कोई मीनिंग है ना? अगर मैं कुछ बोलूं को समझ में ही नहीं आए, हाँ, तो मैसेज हुआ? नहीं. कैसा मैसेज है समझ में ना आए? तो कुरान क्या है? पैगाम है सारे इंसानों के लिए. और कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत की किताब है. हिदायत का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हिदायत का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हिदायत का मतलब सही रास्ता. सही रास्ता. सही रास्ता. सही रास्ता. फिर से ट्राई करो. सही रास्ता. हिदायत का मतलब क्या है? हिदायत. जो कुरान हिदायत की किताब है ना, हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत के तौर पर है. और पता है आपको हुदा, हुदा खुदा का मतलब क्या है? गाइडेंस. गाइडेंस का मतलब है हिदायत. हिदायत का मतलब क्या है? चलना. सही रास्ता, पता चलना. पता चलना कि सही रास्ता क्या है, गलत क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, अल्लाह ताला किस चीज से खुश होते हैं और किस चीज से नाराज होते हैं, ये क्या है? हिदायत. के हमें सब चीज पता चले. अच्छा, आप लोगों को मालूम करना है कि क्या सही है क्या गलत है. मालूम करना है. क्यों मालूम करना है? क्यों करना है? आपको नहीं करना है, करना है. क्यों मालूम करना है? क्यों मालूम करना है? कौन बताएगा? अगर कोई भी मालूम नहीं करेगा तो उसको उसको कयामत के दिन कयामत के दिन मालूम नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कयामत के दिन क्या होगा, मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि उसे सही रास्ता मालूम ही नहीं. तो हम क्या देखते हैं कि पता चलेगा तो हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह और कामयाब होंगे. पता ही नहीं होगा तो अमल कैसे करेंगे? तो बताओ मेरे बच्चों, मालूम करना जरूरी है या नहीं है? सही रास्ता मालूम करना जरूरी है या नहीं है? तो हम अपनी कोशिश करेंगे कि ये जो कुरान की छोटी छोटी सूरतें हैं हम उन्हें इंशाल्लाह मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. आज जिस सूरह से हम शुरुआत कर रहे हैं वो बच्चों की फेवरेट सूरह है. कौन सी सूरह है आपको पता है? सूरह अल इखलास. सूरह अल इखलास. कुल हुवल्लाहु
احد. ہم لوگ انشاءاللہ تین ایپیسوڈ میں پہلے تین کل لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں, کون سورۃ الاخلاص پڑھے گا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے. اعوذ باللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Very good, mashallah. یہ قرآن میں کہاں ہے؟ بگننگ میں ہے کہ اینڈنگ میں ہے؟ سورۃ الاخلاص بگننگ میں. ہاں, قرآن کی بگننگ میں ہے, فرسٹ سورہ ہے قرآن کی. نہیں نہیں, اگر پیچھے سے پڑھیں تو پہلے تھرڈ ہے. ہاں, بگننگ میں تھرڈ ہے. اگر پہلے پیچھے سے پڑھ رہے تو پہلے کل ہوا ہے, اور اگر پیچھے سے بھی پہلے کل والا آواز نہیں ہے. تیسرے پارے پہ, تیسرے پارے میں. تیسواں پارا کہاں بگننگ میں ہے, کہاں ہے؟ بیچ میں. بیچ میں ہے. قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ فلک کے بعد میں, سورہ فلک کے بعد میں. آپ پیچھے سے آ رہے ہیں, سورہ فلک کے پہلے. اور تیسرا پارا قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ تیس پارے ہیں. تیس پارے ہیں نا قرآن میں. کتنے پارے ہیں؟ ریپیٹ. کتنے پارے ہیں؟ تیس. تو تیس پارے میں تیسواں پارا, تھرٹیتھ پارا, بگننگ میں ہے کہ اینڈنگ میں ہے؟ اینڈنگ کے بیچ میں ہے. اینڈنگ میں کہاں ہے؟ تو سورۃ الاخلاص کہاں ہے؟ اینڈنگ میں. قرآن کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ کتنی سورتیں ہیں قرآن میں؟ سوراس پارا تیس, سورہ سورتیں 114 میں. سورۃ الاخلاص 112 پر ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ ریپیٹ. 114. آپ بھی ریپیٹ کریے. قرآن میں کتنی سورات ہے؟ 114. اس میں سورۃ الاخلاص کہاں ہے؟ 112. یعنی پیچھے سے دیکھیں گے تو تھرڈ جو ہے نا بگننگ میں نہیں ہے, تھرڈ پیچھے سے ہے. پیچھے سے تھرڈ. لاسٹ سورہ ہے سورۃ الناس, پھر سورہ الفلق, اور پھر سورۃ الاخلاص. اوکے, سورۃ الاخلاص نام یاد کریے. کیا نام ہے سورۃ قل ولا واحد کا؟ اخلاص. اخلاص. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ سنسیئرٹی, یعنی کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کے لیے ہو, تو خالص اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مین بات ہمیں مل رہی ہے سورۃ الاخلاص میں. سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے بتاؤ. اللہ کون ہے بتاؤ؟ اللہ کے فادر کون ہے؟ اللہ کی مدر کون ہے؟ نسب. نسب کا مطلب کیا معلوم ہے؟ نسب. نسب کا مطلب کیا معلوم ہے؟ لائنیج. جیسے ریحان, آپ کے ابا کا نام بتاؤ. ریاض. ریاض. آپ کے دادا کا نام بتاؤ. حسن. تو دیکھو, یہ ہے ریحان, ان کے ابا کا نام ہے ریاض, ان کے ابا کا نام ہے حسن. یہ آپ کا لائنیج ہے, نسب, کہ آپ کون, آپ کے ابا کون, آپ کے دادا کون. صحیح بات ہے. اب انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے ابا کا نام کیا ہے؟ اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام کیا ہے؟ بچوں کا نام کیا ہے؟ بتاؤ. تو یہ جب ایسے قسم کا سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی ان کو جواب دینے کے لیے, جو ہم لوگ ابھی دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. ہاں, اچھا, سورہ اخلاص کی بہت اہمیت ہے. یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ کون ہے بتایا گیا ہے. اور کتنی آیتیں ہیں سورہ اخلاص میں, کون بتا سکتا ہے؟ سورہ اخلاص میں قل ہو اللہ احد میں کتنی آیتیں ہیں؟ فور. بالکل صحیح جواب. کتنی آیتیں ہیں؟ فور. پڑھو, کون بتائے گا فرسٹ آیت کیا ہے؟ یہ ہو گئی فرسٹ آیت. اللہ الصمد. سیکنڈ. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فورتھ. کتنی آیتیں ہیں؟ چار. چار آیتوں میں ان کے سوال کا جواب ہے. کتنی بڑے سوال کا جواب کتنی آیتوں میں؟ چار. چار میں بتایا گیا اللہ کون ہے. اچھا, پہلے یہ بتاؤ, ہم لوگ ترجمہ دیکھیں گے, آپ کو جاننے میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں کہ اللہ کون ہے؟ آپ کو معلوم کرنا ہے اللہ کون ہے؟ ہاں. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے. اللہ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے, چلانے والا ہے. لیکن اللہ کیسا ہے؟ لوگ اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں بولتے ہیں. ہاں, اس میں کئی ساری غلط باتیں ہوتی ہیں. کئی ساری غلط باتیں.
तो गलत बातों को अलग करके सही बातें जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे ये चार आयतें इंशाल्लाह। चार आयतों में कौन से सवाल का जवाब है कि अल्लाह कौन है, उसका जवाब मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम जवाब देखेंगे, सूरह इखलास की बहुत अहमियत है हमारे पूरी जिंदगी में। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिस जात के हाथ में मेरी जान है। किस जात की कसम खाए, किसकी कसम खाए? अल्लाह ताला। अल्लाह की। किसके हाथ में हमारी जान है? अल्लाह ताला। आपकी जान किसके हाथ में? अल्लाह। आपकी किसके हाथ में? अल्लाह। तो किस जात, किसकी कसम खाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके हाथ में हमारी जान है, अल्लाह की कसम खाकर क्या कहा? इन्हा लतादिलु थुलुसल कुरान, ये सूरा कुरान की वन थर्ड कुरान, वन थर्ड यानी एक तिहाई कुरान के बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है तीन पेंसिल, हाँ, अब तीन पेंसिल में से अगर आपके पास एक है तो आपके पास कितना है? वन आउट ऑफ थ्री है, आउट ऑफ थ्री वन है। तो सूरह इखलास वन थर्ड ऑफ द कुरान के बराबर है। कुरान आपने देखा है, हाँ, हाँ। कुरान में जो 15 लाइन वाला कुरान होता है ना, उसके अंदर 604 पेजेस है। कितने पेजेस है? 604। कितने पेज है? 604। और सूरह इखलास एक पेज बड़ी है, एक पेज बड़ी है नहीं, कितनी है? छोटी है ना। लेकिन ये सूरा वन थर्ड ऑफ द कुरान के बराबर है, कुरान के एक तिहाई हिस्से के बराबर है। मतलब आप अगर ये मैटर समझ जाओ ना, कुरान को, सूरह इखलास को अच्छे से समझ जाओ, अपने दिल में ले लो, अगर आप दिल में इसके पैगाम को ले लो, अगर इस पर आप अमल करो, तो जैसे कि आपको एक तिहाई कुरान मिल गया। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और चीज करते थे, रात में सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन कुल तीन बार पढ़ते, दम करते हाथ पर, और बॉडी पर हाथ मलते थे, जहां तक हैंड रीच होता पूरी बॉडी पर मलते थे, मतलब हाथ दम करके ऐसे करके बॉडी पर मलते थे। ये हदीस सही बुखारी में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कुल हुवल्लाहु अहद की मीनिंग। फर्स्ट आयत पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा कहो वो अल्लाह एक ही है। लोग क्या बोलते हैं मालूम है? लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे, हाँ, लोग क्या करते हैं, बहुत सारों की इबादत करते हैं, दुनिया के लोग बहुत सारों की इबादत करते हैं। हम सही बात क्या देख रहे हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक ही है, एक है अल्लाह, एक है, याद है ना, अहद का मतलब क्या है? एक। अहद का मतलब क्या है? एक। अल्लाह ताला एक है, तो एक ही है। अब अल्लाह के साथ
अरे मैं आज आप कमजोर हो, फिर बढ़ते 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 स्ट्रांग होते जाएंगे, फिर एक बार जब इंसान मैन स्ट्रांग मैन बनता है, फिर बाद में वीक होता है जब ओल्ड होते हैं। ओल्ड मैन स्ट्रांग होते हैं, यंग मैन स्ट्रांग होते हैं? यंग मैन जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, ओल्ड मैन कैसे होते हैं? आहिस्ता आहिस्ते वीक होते हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला कौन है? लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है ना अल्लाह किसी की औलाद है, क्योंकि अल्लाह को औलाद की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह को औलाद की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ा वलदा, सूरह मरियम में, कि अल्लाह ताला के लिए ये लायक चीज नहीं है कि वो औलाद ले। औलाद किसे चाहिए? हम इंसानों को चाहिए, हम इंसान कमजोर हैं तो हमारे पास औलाद की जरूरत है। हाँ, आपको पता है अगर बच्चे नहीं होते ना तो दुनिया में क्या हो जाता मालूम है? सब लोग ओल्ड 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 होके एक दिन दुनिया से चले आते, सारे के सारे इंसान दुनिया में से खत्म हो जाते। हाँ, खत्म हो जाते, पता है ना आपको? दुनिया में इंतकाल होता है लोगों का, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। हाँ, हमेशा हमेशा रहेंगे दुनिया में? नहीं। हाँ, हमेशा हमेशा रहते हैं लोग? इंसान दुनिया में आए तो कभी जाते ही नहीं है दुनिया से, ऐसे थोड़ी होता है। कैसे होता है? दुनिया में थोड़े टाइम तक रहते हैं और फिर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो क्या होगा इंसानों का? अगर सब इंसान मर गए तो खत्म हो जाएंगे, तो इंसानों में औलाद की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला को औलाद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला खुद से जिंदा है, खुद से कायम है। मतलब हम लोगों को है ना, ये कुर्सी है ना, चार पैर है तो खड़ी है। हाँ, ये टेबल पे चार पांव हैं तो खड़े हैं। अल्लाह ताला कौन है? खुद से कायम है। अल हय्य का मतलब क्या है? जिंदा। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे जिंदा है कि हम लोग तो सांस रोक दो, अगर सांस रोक दो अगर तो क्या होगा? मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद सांस रोकेंगे क्या होगा? मर जाएंगे। और दिल धड़कन रोक दो तो? दिल धड़कना बंद हो जाए तो? मर जाएंगे। नहीं जी सकते है ना? अल्लाह ताला को सांस की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को दिल की धड़कन की जरूरत नहीं है। अल हय्यु, अल हय्यु का मतलब है जिंदा है अल्लाह ताला। बच्चों याद रखोगे आप ये बात? तो लम यलिद वलम यूलद, और लास्ट है, लास्ट आयत कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह ताला का कोई कुफू, कोई बराबर नहीं है, कोई एक भी बराबर नहीं है। देखो, अल्लाह ताला के बराबर कोई है ही नहीं, है ही नहीं। अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं। जैसे पता है आपको, हम लोग सुनते हैं, कितना सुनते हैं? अल्लाह ताला सुनता है, कैसा सुनता है? पूरी दुनिया की सारी की सारी बातें अल्लाह सुनता है। हम देखते हैं, कितना देखते हैं? थोड़ा सा। अल्लाह ताला कैसे देखते हैं? दूसरी जगह नहीं, जैसे मैं अगर देखो, मैं यहाँ बच्चों को देख रहा हूँ तो ये लोगों की तरफ ध्यान नहीं है, और इधर देख रहा हूँ तो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कौन है? हर जगह पर अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला पांचों को देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, बिल्कुल दुनिया के जर्रे जर्रे में एक एक चीज जो हो रही है अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो अल्लाह के बराबर कोई है? नहीं। अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। कुरान में आता है सूरह शुरा में, सूरह 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिथ्लिही शय, अल्लाह के बमिसल कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई चार आयतें कुरान की, रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे ता आयत और तर्जुमा। आप अरबिक पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, रिपीट, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा है कहो वो अल्लाह एक है, कहो वो अल्लाह एक है। अल्लाह कितने हैं? एक है अल्लाह अहद, एक। नेक्स्ट, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, रिपीट, अल्लाह बेनियाज है, रिपीट जोर से बोलो, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। खाने की जरूरत है? पानी की जरूरत है? सांस लेने की जरूरत है? दिल की धड़कन की जरूरत है? नहीं, बेनियाज है। आपकी मेरी जरूरत भी नहीं है, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह अस्समद है। नेक्स्ट, लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना वो किसी से पैदा हुआ है, रिपीट, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना वो किसी से पैदा हुआ है, जोर से बोलो, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उससे अल्लाह से कोई पैदा हुआ है ना वो किसी से पैदा हुआ है। याद रहेगा इंशाल्लाह। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. کوئی انسان ہے برابر؟ کوئی بڑا انسان؟ کوئی اچھا انسان؟ وہ برابر ہے؟ کوئی پاورفل انسان؟ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں, دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.